इलाज छे। प्रतीक कार्यक्रम की शुरुआत थी गई है। थोड़ी जार विश्व सौथी मोटू स्टेडियम क्रिकेट रसिकों खोलवामां आवशे। त्यां अनेक चाहकों क्रिकेट ना पहोंच्या हशे। केटलो उत्साह छे तेमने दीपाली। हवे गणतरी ने मिनिटो में ज विश्वना सौथी मोटा स्टेडियम एवं मोटेरा स्टेडियम नु उद्घाटन थशे। अने साथे जो बात करवामां आवे, आ ज्यारे उद्घाटन थई रह्युं छे त्यारे भारतीय क्रिकेट टीम नो सौथी मोटो फेन अपनी साथे उपस्थित छे सुधीर कुमार गौतम, के जे तमाम मैचों में भारत नी टीम नो उत्साह वधारा माटे मैच जोवा जता होय छे। सुधीर कुमार साथे आपणे वात करशुं के शुं मानुं छे तेमनुं। सुधीर कुमार, आज रीते ते मैच होय तेमां शंखनाद करीने भारत टीम नो उत्साह वधारता होय छे, तेमनी साथे वात करशुं। सुधीर कुमार जी, आज यहाँ पे आप आए हो भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए, क्या कहोगे? मोटेरा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसके बारे में क्या कहोगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये ऐतिहासिक ग्राउंड बन गई, जैसे मेलबर्न में सबसे ज्यादा कैपेसिटी 1,02,000 की थी, वहां भी मैंने 3 मैच देखे, लेकिन जिस प्रकार भारत में अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैपेसिटी 1,32,000 है, तो हम चाहेंगे कि ये ऐतिहासिक ग्राउंड की ओपन टीम इंडिया जीत के साथ करे और ऐतिहासिक ग्राउंड पे ऐतिहासिक जीत दर्ज करें। सुधीर कुमार जी, दर्शक हमारे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको ये शौक कहाँ से आया, कितने साल से आप इस तरह से सचिन तेंदुलकर 10 लिख के घूम रहे हो? सर, मैं तो 2001 से मैच देख रहा हूँ, लेकिन 2002 में साइकिल से सचिन सर से मिलने जमशेदपुर गए, लेकिन सचिन सर को टेनिस एल्बो के कारण वो लंदन ट्रीटमेंट के लिए गए, फिर भी मैं साइकिल से जमशेदपुर मैच देखे। 2003 जब वर्ल्ड कप के बाद ट्रेंगुलर सीरीज थी, तो हम मुंबई साइकिल से गए, सचिन सर से मिले, मैच को पास मिले, बस वहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हुई जो अब तक टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। सुधीर कुमार जी, सबसे पहले बात कीजिए आपके गेटअप की, तो फेस पे आपका तिरंगा रहता है, आपके सर पे ये भारत माता का नक्शा रहता है, बॉडी पे मिस यू 10 सचिन तेंदुलकर लिखा होता है, कितना टाइम लगता है ये गेटअप बनाने के लिए? सर, ये 6 घंटे लगती है। जैसे ये टेस्ट मैच है तो जैसे रात को 10 बजेंगे, फिर 10 बजने के बाद पेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये डे नाइट टेस्ट थी तो मैंने 2 बजे रात से पेंट किए और सुबह मैं रेडी स्टेडियम, जब टीम इंडिया वापस स्टेडियम में आए खेलने के लिए तो फ्लैग लहराकर और शंखनाद कर टीम इंडिया को हौसला बढ़ाए, तो स्टेडियम में एंट्री करने से पहले टीम इंडिया को एनर्जी के लिए ये शंखनाद करते हैं और टीम इंडिया जीते। बिल्कुल, ये बॉडी पे जो पेंट रहता है आपका, इससे आपको बॉडी पे कोई एलर्जी वगैरह कुछ होता है? ये बॉडी में पेंट है आप कितने टाइम तक रखते हो? सर, ये मैं 2003 से पेंट कर रहा हूँ, जब सचिन सर से पहली बार मिले थे मुंबई 2003 ट्रेंगुलर सीरीज में, तो उसी दिन से मैं ये पेंट करके तेंदुलकर 10 लिख कर आते थे, उनको अच्छा लगा और उन्होंने मैच को पास देने लगे, बस वहीं से आज तक सिलसिला स्टार्ट है जो कभी रुकी नहीं। तो दीपाली, आज है सचिन तेंदुलकर ना सौथी मोटा फैन, जे भारतीय क्रिकेट टीम ना उत्साह दरेक मैच में वधारता होय, सौथी महत्वनी बात ए छे के सचिन तेंदुलकर द्वारा आज तेमनो फैन छे तेने तमाम मैच नी टिकिट्स आपवामां आवे छे, अने आज कारण थी आज क्रिकेट टीम नो फैन छे ते तमाम मैचों में पहोंचीने भारतीय क्रिकेट टीम नो उत्साह वधारतो होय छे, अने ज्यारे आज भारत नो आ सौथी मोटा स्टेडियम नुं उद्घाटन थवानुं छे त्यारे आ खेलाड़ी अमदावाद ना मोटेरा स्टेडियम में पण पहोंच्या छे, अने भारतीय टीम नो उत्साह एवी ज रीते वधारता रहेशे। जी चौक्स, प्रतीक आभार माहिती आपवા બદલ। તો આપણે જણાવી દઈએ કે ચાહકો પણ ઈચ્છી રહ્યા છે કે જ્યારે વિશ્વના સૌથી મોટા લાર્જેસ્ટ કેપેસિટી ધરાવતા સ્ટેડિયમનું જ્યારે ઉદઘાટન થતું હોય અને તેની પહેલી મેચમાં ભારત જો રમતું હોય તો ભારતે આ મેચ